हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन लेकर के आई हूं जिसे कि आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं इस डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट जैसे बच्चों के स्वेटर कोटी जैकेट सभी में डाल सकती हैं ये डबल कलर के डिजाइन है आप चाहे तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकती हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो फोर के मल्टीपल्स में डालेंगे और थ्री फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर मैंने फिफ्टीन फंदे डाले हैं टू रो का बॉर्डर बिना है ये बॉर्डर मैंने दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदों से बनाया है अगर आप इस तरह का बॉर्डर नहीं बिन रही हैं तो आपको दो प्राइमरी रो बॉर्डर के बाद बनानी होंगी जो कि दोनों ओर से यानी कि राइट साइड से और बैक साइड से दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदों से बनानी होगी और उसके बाद आप डिज़ाइन स्टार्ट करेंगी ये फोर रो की डिजाइन है और एक बार जब हम एक कलर लगाएंगे तो उसकी हमें फोर रो ही बनानी पड़ेगी इस डिज़ाइन में एक कलर की फोर रो बनाएंगे, फिर दूसरी बार दूसरे कलर की फोर रो बनाएंगे तब ये डिजाइन कंप्लीट होगी तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे ये टू रो जो हमने बनाई हैं इसे आप बॉर्डर भी समझ सकती हैं और आप इसे प्राइमरी रो भी समझ सकती हैं अगर आपने दूसरा बॉर्डर बनाया है तो दो प्राइमरी रो बनाने के बाद ही हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो अब देखिए ये डिज़ाइन बनाना हम कैसे स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है हम ऊन का कलर चेंज कर लेंगे और थ्री फंदे सीधे बनाएंगे यहाँ पर थ्री फंदे हम दूसरे कलर से सीधे बनाएंगे और इसके बाद एक फंदा स्लिप कर लेंगे फिर थ्री फंदे सीधे बनाएंगे ये एक दो और ये तीन थ्री फंदे सीधे बनाएंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है हमें इसी तरह से बनानी है थ्री फंदे सीधे बुनने हैं और एक फंदा स्लिप करना है थ्री फंदे सीधे बुनने हैं लास्ट में भी हमारे पास थ्री फंदे बचेंगे जिनको कि हम सीधा सीधा बुन लेंगे डिजाइन की शुरुआत में भी हमने थ्री फंदे सीधे बुने थे ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं जो कि बैक साइड से है तीन फंदे जो हैं जो हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बिनेंगे ये हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं तीनों फंदों को हम उल्टा बन लेंगे चाहे तो आप पहला फंदा स्लिप भी कर सकते हैं मैंने यहाँ उल्टा बिन लिया है तीन फंदे उल्टे बिनेंगे और जो स्लिप किया हुआ पंदा उसे स्लिप कर लेंगे जो फंदा हमें जैसे दिखाई दे रहा है हमें वैसा ही बुनना है तीन फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं इन तीनों फंदों को उल्टा बिनना है और एक फंदा हमें स्लिप किया हुआ दिखाई दे रहा है इससे हमें स्लिप करना है पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है जैन की सेकेंड रो जो कि बैक साइड से है तीन फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदा स्लिप करना है यहाँ लास्ट में फिर थ्री फंदे बचे हैं उन तीनों फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बीन लेंगे जैसे मैंने सारे फंदे बनाए हैं अब हम जैन की थर्ड रो पर हैं मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस डिज़ाइन में हमें एक कलर से फोर रो बनानी है तो अब हम थर्ड रो पर हैं थर्ड रो भी हम इसी कलर से बनाएंगे लेकिन हम कैसे बनाएंगे सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे जैन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी यहाँ से जो सिर्प किया हुआ फंदा है उसको भी हम उल्टा बिन लेंगे पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है डिज़ाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है उल्टे उल्टे, उल्टे फंदों से बनाई जाएगी ये पूरी रो हम उल्टे फंदों से कंप्लीट करेंगे ये हमारी रो थर्ड रो कंप्लीट हो गई है अब हम डिज़ाइन की फोर्थ रो पर हैं जो कि बैक साइड से है इस रो में हम क्या करेंगे इस रो में भी हम उल्टे उल्टे फंदे से सारी रो को कंप्लीट करेंगे पूरी रो हमें उल्टे फंदों से ही कंप्लीट करनी है बहुत ही जी डिज़ाइन है इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आती है इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें यहाँ मैंने फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है इस तरह से बनकर के आएगी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है मैं आपको एक बार फिर से ये डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ अब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे वही फोर रिपीट रो रिपीट करेंगे इस बार हम ऊन का कलर चेंज कर देंगे क्या करेंगे हम बनाएंगे उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे ये इस तरह से और एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है अब हम डिजाइन की सेकंड रो पर हैं जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हमें वैसा ही बनाना है बैक साइड से बुन रहे हैं क्या करेंगे हम तीन फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं इन तीनों फंदों को हम उल्टा बन लेंगे और एक फंदा स्लिप किया हुआ उसे स्लिप कर लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है तीन फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदा स्लिप करना है हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं जो कि राइट साइड से है इस रो में हम क्या करेंगे सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे और ऊन का कलर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें फोर रो एक ही कलर की बनानी है इस डिजाइन में फोर रो हमारी एक कलर की बनेंगी जब ऊन चेंज करेंगे तो दूर दूसरी कलर से भी हमारी फोर रो ही बनाई जाएंगी पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं पूरी रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी जो कि बैक साइड में है इस रो के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन करके डिजाइन को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर मैंने दो बार डिजाइन कंप्लीट कर लिया है दोनों बार मैंने एक कलर से फोर रो बनाई है जिससे कि ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर के हमारे सामने आई है ये डिजाइन बनने के बाद इस तरह से दिखाई देती है तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नई डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए जय माता दी